फैसल भाई, ये कितने घंटे हो गए इवेंट्स के? 8 घंटे हो गए। और कैपिटल वन अरीना कितनी लाइनें थी ये पहले बताएं, और इवेंट कैसा गया ये बताएं। अभी जाके लोग वापसी गए क्योंकि इस कदर और अच्छा, अब अमेरिकन के अंदर भी जो है ना, वो भी कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान खान इस है, तो वो पूरा एटमोसफेयर ही है। ये फख्र की बात है सब पाकिस्तानियों के लिए, ऐसा कभी नहीं होता। तो ये फख्र की बात है कि इतनी इज्जत, इतना वो मिल रहा है, बड़ी रिस्पेक्ट से लोग मिल रहे हैं यहाँ पे, और बड़ा अच्छा फील हो रहा है। और जिस तरह से आज माहौल मुझे एक चीज़ याद है, पाकिस्तान में वैसे बड़े मीम्स बनते हैं कि कुछ हो रहा होता है, जैसे कोई जेल में जाता है तो कोई बोलता है कि कोई पूछे तो कहना खान आया था। आज लिटरली वही हुआ है, एवरीबडी इज आस्किंग व्हाट्स हैपनिंग हियर, तो उनको हमने ये बोला कि खान वाज हियर। और वैसे आपका ये स्ट्रेटेजिकली देखे, कल ट्रंप से मीटिंग है, बहुत बड़ी मीटिंग है पाकिस्तान यूएस के रिलेशन पे, तो वो उस पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा, क्या समझ रहे हो? बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, ये जो इवेंट हुआ है हमारा, इससे इम्पैक्ट पड़ गया है कि इधर इलेक्शन होने जा रहे हैं और उन्होंने देखा कि क्योंकि वोटर्स हैं सब, ये सब वोटर्स हैं, उन्होंने देखा कि पाकिस्तान जो है एकदम से बहुत ज़्यादा अहमियत मिल गई पाकिस्तानियों को भी, क्योंकि इट मैटर्स इलेक्शन कैंपेन में, ये यूके में भी यही होता है। और हमारी जो अब नासिर हुसैन जो इंग्लिश क्रिकेट कैप्टन थे, वो एक पोस्ट मैच सेरेमनी में इंग्लैंड और पाकिस्तान का मैच में, ही वॉज द कैप्टन बैक देन, उन्होंने कहा ऐसे लग रहा था कि जैसे हम पाकिस्तान में मैच खेल रहे हैं। तो आज इन सब को ये लग रहा था कि ये लाहौर है, वो कहते हैं ना, हमने जी लाहौर को, वो कहते हैं हमने पेरिस बनाने की बात करते हैं, तो इमरान खान ने वाशिंगटन को लाहौर बना दिया। मुझे ये पता है, ये जो क्राउड था, रेकर्ड क्राउड, इससे पहले कभी हुआ नहीं है, और हमने वर्ल्ड वाइड नंबर वन ट्रेंड किया है ट्विटर पे, और वर्ल्ड न्यूज़ जो ट्विटर की न्यूज़ है वो आ रहा है। मुझे ये बताइए, जो इमरान खान तशरीफ लाए थे स्टेडियम में, वो क्या माहौल क्या था उस वक्त, मुझे बताया, मिरारे पाकिस्तान, और आपने तो हिस्टोरिक जलसे कवर किए हैं, क्या कंपेरेटिवली क्या सर क्या था? बिल्कुल वैसा ही था, बिल्कुल वैसे मिरारे पाकिस्तान था। मैं बार बार कह रहा था वहाँ पे, अंदर से फील आ रही थी, फील आ रही थी, और आप तो खैर वहाँ पे थे और आपने देखा कि किस कदर जोश, एंथुसियाज्म, पैशन, यानी कि लोग, और लोग कितने दूर दूर से यहाँ पहुँचे। देखिए 2 बजे ये गेट खुले थे, ये सारे गेट 2 बजे तक बंद थे, लोग यहाँ 10 बजे सुबह पहुँच गए, और यहाँ पे लोग लेट के क्या है कि 2 बजे गेट खुलेंगे, अंदर जाएंगे, गर्मी भी आ जाएगी, गर्मी में काफी लोग खराब है, 40 डिग्री। और मुझे याद है जैसे आप नारे लगाते ना, कौन बचाएगा पाकिस्तान, एक छोटा सा बच्चा था, उनका कहाँ से आवाज आ रही है यार, आवाज तो बच्चे की लग रही है, लिटरली एक बच्चा नारे लगा रहा है कौन बचाएगा पाकिस्तान। ये जो चीज है, इमरान खान के अलावा कोई कर ही नहीं सकता, अच्छा, सोच भी नहीं सकता, राइट, चैलेंज करते हैं आए, और बिलावल आए, इसकी वजह से गूंज पाकिस्तान में भी सुनाई पड़ी गई है मीडिया में, तो रात बड़ी लेट था, लोग उठे, लोग जिस तरह वर्ल्ड कप 92 के मैचेस देखते थे रात को, उन्होंने ये देखा 3 बजे। अच्छा, I was getting feedback right around जब पाकिस्तान के 3 बजे हुए थे, everybody was telling me कि यार we're glued to the TV, और कोई नहीं हंस रहा, और मुझे याद है मैंने 2-3 pictures देखी यार, इतने बुजुर्ग लोग वो भी रात को बैठ के लाइव स्ट्रीम पे देख रहे हैं, तो एक सोशल मीडिया का भी बड़ा रोल goes to you guys, you know, आपने जो जाग के ऊपर कमरे में जो किया है ना, कंट्रोल रूम में जाके, कंट्रोल रूम में, वहां से गेम चेंज हो, मैंने जिमरान को कहा जिमरान जो कैप्शन लिखे हैं, मतलब हमारा तो कॉन्टेंट जा रहा था ना, लेकिन फॉर देम टू क्लिप अप द कॉन्टेंट और फिर कैप्शंस, एंड इट्स अ डिफिकल्ट थिंग, यू नो, अगर आप उस माहौल में नहीं है, मुश्किल होता है बैक एंड पे, तो हैट्स ऑफ टू दोस गाइस, आई थिंक जरी एसन द होल टीम, राबिया, एवरीबॉडी वाज अमेजिंग। अच्छा मुझे ये बताएं, ये जो क्राउड, ये जो क्राउड का जो आ रहा था बार बार, और लोग यू नो इतना खुश हो रहे थे उसमें, तो आपको ये पाकिस्तानी अमेरिकन और पाकिस्तान के क्राउड में क्या लगा आपको, कि यहाँ का क्राउड ज्यादा जरूरी है कि पाकिस्तान का क्राउड ज्यादा जरूरी है? क्योंकि बहुत जोश था, देखिए हम यूएस के हैं, तो हम थोड़े से बायस हो रहे हैं कि यहाँ का क्राउड, मैंने तो वापस जाना, हम नहीं सुन रहे, अच्छा, लेकिन मुझे बताएं कि एक्सपेक्ट कर रहे थे पहले कल, मैंने बेस्ट कंपैरिजन दिया पाकिस्तान की तारीख में, जो 30 अक्टूबर 2011 है ना, वो एकदम से वो हमें नजर आया, उसने पलट दिया सब कुछ, और आज भी वो ही हुआ है, बिल्कुल ये अमेरिका की तारीख में पहली बार ओवरसीज पाकिस्तानी जो हमारे डायस्पोरा, उसकी सबसे बड़ी गैदरिंग हुई, सो एग्जैक्टली
it was the same. You know, you can compare it with Lahore, Manar, Pakistan. मुझे ये बताएं खान साहब से तो आपकी बात भी होगी बाद में. उनका उनकी क्या फीलिंग्स? अरे बस बहुत ज़्यादा खुश थे. अच्छा. और देखें इमरान खान ना एक उनके अंदर जो कॉन्फिडेंस है कि कौम जो है वो उनके लिए निकलेगी. और ये रीना सोच नहीं सकते, कुछ सोच नहीं सकता. इमरान खान बहुत ज़्यादा खुश थे. मुझे किसी ने कहा कल ही एक दिन पहले यार ये जो 20,000 का फिगर है ना, लोग बोल रहे हैं कि इतनी रजिस्ट्रेशन हो गई है, 5-6,000 आएगा. एंड देयर सम वेरी प्रोमिनेंट पीपल. हमारे अपने पार्टी के लोग हैं, कहते हैं हम आधा जो है ना उधर उसको वो कर देंगे, तो ये कर देंगे. लेकिन वो जरूरत नहीं पड़ी, बल्कि जगह कुछ लोग नहीं आ सके. मुझे किसी ने कहा कि यार वी आर वॉचिंग ऑन आवर फोन्स एंड वी आर राइट आउटसाइड कैपिटल एरिना. आप इतने पास हैं येट कितने दूर. वो शायरी कर रहे थे. लेकिन इसका आप मुझे बताएं कि यहाँ क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, पाकिस्तान में क्या इम्पैक्ट पड़ेगा. आपने वोटिंग का तो कहा, लेकिन यहाँ के जो इमरान खान ने कहा कि ये आपकी सेल्फ एस्टीम बढ़ेगी, तो उसके बारे में क्या? बिल्कुल खुद मुख्तारी जो है पीटीआई की जो उसके अंदर भी है. हाँ पूरा उसका मोटो है, ठीक है ना, सेल्फ एस्टीम. ये इतनी इसमें लामा इकबाल ने बहुत ज़्यादा लिखा इस पर, और उनकी शायरी जो है इसके ऊपर मबनी थी. ये कौमों के लिए बहुत ज़रूरी था, और ये जो आज का दिन था ये बहुत इंपॉर्टेंट था पाकिस्तानियों के लिए. देखें आप अंदर से क्या फील करें आप. We're proud, मतलब आज तो मतलब हमने रैकेट्स तोड़े. अब सब नौजवान तो अंदर से यही फील कर रहे हैं ना कि हमें वो क्या कहते हैं इंडिया जो है उसके जो आज उनकी प्रेस में इसके बाद पाकिस्तान को एक बहुत बड़ा जबरदस्त इमरान खान ने, और ये देखिए ना इमरान की क्रेडिबिलिटी फैक्टर जो है घबराना नहीं है. अच्छा मुझे एक चीज याद है, एक और चीज है कि ऑलमोस्ट पूरा साल कंप्लीट हो गया है. 25 जुलाई पिछले साल खान साहब इलेक्शन जीते थे. और देखिए बिल्कुल आपसे ये नहीं कौम किधर खड़ी है, और वो अपोजिशन वाले योम सियाह मनाने जा रहे हैं. वो क्या मनाएंगे योम सियाह, ये जो कौम जिधर खड़ी है वो इमरान खान के साथ. तो वैसे टीवी बंद हो रहे हैं. खान साहब ने कहा है कि एसी भी बंद करवा रहे हैं और वो जेलों में टीवी बंद करा रहे हैं. तो अच्छा मुझे बताएं, पूरा का पूरा इवेंट हो गया, सब कुछ हो गया. अब आप पाकिस्तान में जो मीडिया पे आ रहा होता है कि इकॉनमी ठीक नहीं, गवर्नमेंट ठीक नहीं चली, और यहाँ के लोगों ने जो सबूत दिया है कुछ 25,000 लोगों ने, तो वहाँ पर अब लोगों को समझ आएगा कि यार लोग ट्रस्ट करते हैं इमरान खान पे, इवन दो टाइम्स आर टफ, बट फिर भी इमरान खान पे इतना भरोसा. इमरान खान ने इस मुल्क को सही डायरेक्शन में लगा दिया. अब हमने पहले से ज़्यादा उनका साथ देना है, पूरी कौम ने उनका साथ देना है. ये एक साल जो है ना, ये देखिए कठिन रास्ता है, ये आसान बात तो नहीं थी. पहले इकॉनमी को दिवालिया होने से बचाया, फिर इकॉनमी को स्टेबल कर दिया. अब उसके रिजल्ट्स जो पास ऑन होंगे, अवाम जो गुर्बत है महंगाई है, अब उधर काम होगा कि उसमें महंगाई में कमी आएगी, गुर्बत नीचे जाएगी, और गुर्बत से लोग निकलेंगे बाहर. ये इमरान खान का मिशन है, और इससे अभी एक साल के बाद आप देखेंगे बहुत बेहतर हालात होंगे पाकिस्तान के. ज़बरदस्त स्टेज पर पाकिस्तान, दुनिया इज्जत कर रही है पाकिस्तान की. ये मौका है, इसको जाना नहीं देना, अब देना है साथ भरपूर इमरान खान का. दिस इज दैट आई एम टेलिंग यू, इमरान खान के अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन है ही नहीं. और इसीलिए सब पाकिस्तानी, चाहे वो पीएमएलएन में है, पीपल्स पार्टी में है, किसी भी है, अब सब पाकिस्तानी हैं. ये वायद हल है हमारे पास पाकिस्तान को आगे लेके जाने का. तो मिल सबके इमरान खान का साथ देते हैं, और इंशाल्लाह साल में आप देखेंगे पाकिस्तान पाकिस्तान जिंदाबाद.